दोस्तों, दिस इज रजत जैन फ्रॉम कैरियर पॉइंट कोटा। स्वागत है आपका कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिजिक्स के दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ लॉज ऑफ मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यहां पे हम न्यूटन के तीन लॉ पढ़ने वाले हैं। इन तीनों लॉ की डिटेल्स समझेंगे और इन पे बेस्ड मैकल्स करेंगे। सबसे पहले वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ फोर्स। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम फिजिक्स की पहली यूनिट अभी स्टार्ट की है हमने, मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। फिर डायनेमिक्स को हमने दो पार्ट्स में स्टार्ट किया था, काइनेमैटिक्स और काइनेटिक्स। काइनेमैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। नाउ वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ काइनेटिक्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट के मोशन को तो स्टडी करते ही हैं, साथ में उसके कॉज, उसके कारण को भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम देखेंगे किसी बॉडी में मोशन होता है तो उसके पीछे रीजन क्या है। और जाहिर सी बात है, किसी बॉडी में अगर मोशन हो रहा है या मोशन बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है या बॉडी चलती बॉडी रुक रही है या शेप चेंज हो रहा है, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ कौन जिम्मेदार है? फोर्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स से। लेट्स सी। सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस न्यूटन्स लॉ। बेसिकली आपने वो एप्पल वाली स्टोरी तो सुनी होगी कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से एप्पल गिरा और वो सारी बातें। बट बेसिकली न्यूटन के पहले भी एक साइंटिस्ट हुए थे जिनने इसके बारे में बहुत कुछ स्टडी किया था, गैलीलियो। एक्चुअली हम देखें तो उसकी बहुत कुछ थ्योरी से इंस्पायर होके न्यूटन ने हमें तीन लॉ दिए थे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कितने टाइप्स का होता है और डे टू डे लाइफ में हमें कहां ये एक्सपीरियंस होता है। सेकेंड इज लॉ ऑफ मोमेंटम, या हम कह सकते हैं इसमें न्यूटन ने हमें बताया फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका। उसने हमें बताया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां पे एक वर्ड आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हम सबसे पहले उसको समझेंगे, फिर न्यूटन के सेकंड लॉ की तरफ बढ़ेंगे। देन न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट टुडे विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बट बिफोर दैट वी विल स्टडी व्हाट इज द टर्म फोर्स। सो बेसिकली फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज सिंपली it is an external effort in the form of push or pull. See, if I am pushing something or I am pulling something, it means I am applying force. Force is nothing but push or pull. तो किसी भी बॉडी को अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उस बॉडी पे क्या लगा रहे हैं, एक एक्सटर्नल एफर्ट की वजह से उस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर हम यहां पर फोर्स को डिफाइन करें तो आप देखेंगे, मान लीजिए एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक अब इनिशियली किस पे है बच्चों? रेस्ट पे है। इफ आई अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन व्हाट विल हैपन? सोचो क्या होगा। जो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, क्या इस फोर्स की एप्लीकेशन की वजह से आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग? ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, यानी कि फोर्स के लगने से ब्लॉक में क्या आ गया है, मोशन आ गया है और इसकी वेलोसिटी अब नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी कि इसने अभी कुछ वेलोसिटी गेन कर ली है, यानी कि हम समझ सकते हैं फोर्स कैन मूव द स्टैटिक बॉडी। जो भी बॉडी रेस्ट पे है फोर्स क्या कर सकता है, उस बॉडी को मूव कर सकता है। अगेन इफ दिस बॉडी वी कंसिडर अगेन इट, say if this body is moving with some velocity v and this time we apply force in this direction, can you guess what will happen? Agar ye body v velocity se idhar move kar rahi hai aur hum idhar force laga rahe hain, body this time is moving, what will happen? After some time
बॉडी विल बी एट रेस्ट। सो यहां पे फोर्स ने क्या किया, एक मूविंग बॉडी को क्या बना दिया, स्टैटिक बना दिया, यानी कि इट कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। नाउ गेस व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, सपोज इफ बॉडी इज मूविंग विथ से स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इफ बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर सेकेंड एंड इफ आई कैन अप्लाई फोर्स एफ हियर, अगर मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया, कैन यू गेस व्हाट विल हैपन, एक बॉडी जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, बता सकते हैं क्या होगा, कैसे डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, ऑब्वियस, क्या उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, नो, क्योंकि ये फोर्स है और फोर्स इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और इसके कारण इसकी स्पीड हो सकता है चेंज हो जाए 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई। तो फोर्स, अच्छा यही फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगता तो क्या स्पीड 15 हो पाती, क्या 10 रह पाती, क्या 10 से कम हो पाती, 10 से कम हो जाती, क्योंकि इस बार फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कह सकते हैं फोर्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स बेसिकली इंट्रैक्शन है, समटाइम आई एम पुशिंग दिस बॉडी और आई कैन ऑल्सो पुल दिस बॉडी, अगर मैं फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाता तो ये फोर्स इसको पुलिंग फोर्स कहलाता, कौन सा फोर्स कहलाता, पुलिंग फोर्स, ये कौन सा फोर्स कहलाता, पुशिंग फोर्स, दोनों ही केस में ऑब्जेक्ट के जो भी ऑब्जेक्ट का स्टेट है उस स्टेट में चेंजेस आता है, आइदर इट इज ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज ए स्टेट ऑफ मोशन। सो फोर्स इज वॉट, फोर्स इज बेसिकली एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, सिंपली फोर्स की डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, फोर्स इज सिंपली पुश और पुल। अब अगर हम बात करें फिजिक्स में फोर्स की इंपॉर्टेंस की, तो हम ये बोल सकते हैं कि फिजिक्स में फोर्स जो होता है वो फिजिक्स का मा और पा दोनों होता है। कैसे होता है, एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो आगे जाके हम डिराइव भी करने वाले हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बराबर एफ इक्वल्स टू एम ए, वेयर एफ इज फोर्स, एम हियर इज मास एंड ए हियर इज एक्सीलरेशन। सो फिजिक्स में फोर्स मा भी होता है और पा भी होता है, तो एफ इक्वल्स टू एम ए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल्स टू एम ए यानी कि एफ इक्वल्स टू मा, हाउ इट इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज पी ए, याद रखो ये फॉर्मूला, आगे चल के आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप सीखेंगे कि यहाँ पे P जो होता है ये होता है प्रेशर और A जो होता है वो क्या होता है एरिया, शायद आपको ये फॉर्मूला याद भी आ रहा होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, याद है बच्चों, फोर्स यहीं चला गया A इधर आ गया तो ये बन गया पी ए, तो फोर्स जो है फिजिक्स का मा हो गया और फिजिक्स का पा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आगे चल के काम आएंगे, अभी आपको लर्न करना है एफ इक्वल्स टू एम ए और एफ इक्वल्स टू पी ए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्स के बारे में, तो जाहिर सी बात है जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि अगर हमें किसी भी बॉडी में पता लगाना है कि इस फोर्स के कारण बॉडी किधर मूव करेगी, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, यानी कि फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, और जिस बॉडी को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स जो है ये हमारे लिए क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सिंपल सी बात है, इफ आई सेड कि अगर मैंने बोला कि आप लोगों ये से दिस इज चेयर, इस चेयर को आप 5 मीटर डिस्प्लेस कीजिए, तो 5 मीटर 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए इसे, सो आपका सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, सर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, बिकॉज बिना डायरेक्शन बताए वो स्टेटमेंट थोड़ा इनकम्प्लीट कहलाएगा, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मुझे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़े,
तो उसको हम बोलते हैं फैक्टर, और फोर्स में मुझे डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो फोर्स क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ फोर्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर हम देखें तो मास, मास किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। एस्केलेशन किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो अगर हम फोर्स की यूनिट का बात करें तो एक यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम कलेक्टिवली कह देते हैं न्यूटन। क्या बोल दिया जाता है इसको, न्यूटन, जिसने हमें तीनों लॉ दिए, जिसने हमें फिजिक्स का मा और पा दिया, दैट इज फोर्स के बारे में बताया, वो कौन था, न्यूटन। तो हमने फोर्स की यूनिट भी किसके नाम रख दी बेटा, न्यूटन के नाम, है ना। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है, न्यूटन। तो एक सीजीए सिस्टम की यूनिट और होती है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10^5 डाइन, डाइन नहीं डाइन, क्या बोलेंगे इसको, डाइन, है ना। सो 1 न्यूटन कितने डाइन, सॉरी डाइन के बराबर होता है, इट्स 10^5 डाइन्स। ओके, सो ये दोनों यूनिट्स आपको लर्न होनी चाहिए, आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें बार बार काम आएगी। सो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज सिंपली पुश और पुल, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी, विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि किसी बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उसकी स्टेट चेंज हो ही जाए। इफ लाइक आई एम पुशिंग दिस बोर्ड, अगर मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा पुश कर रहा हूँ तो थोड़े से पुशिंग में ना कोई इसकी स्टेट चेंज ही होने वाली है, बट फिर भी आई एम अप्लाइंग द फोर्स। सो फोर्स इज व्हाट, इट इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंजेस द स्टेट ऑफ बॉडी। या तो किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर देगा या वो स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, फोर्स। आप चाहें तो लिख सकते हैं इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल विच चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, जो या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है, उस पुश और पुल को हम क्या बोल देते हैं बेटा, फोर्स। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू एम ए, यहाँ पे हम जानते हैं m है यहाँ पे मास, a है एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकंड बार, और SI यूनिट इसकी होती है न्यूटन। इसको हम न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे n से, 1 न्यूटन इक्वल टू 10^5 डाइन, ठीक है। लेट्स सी, एफर्ट्स ऑफ फोर्स, एफर्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सो किसी भी बॉडी में फोर्स क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में अभी डिस्कस किया, तीन इफेक्ट्स तो मैंने आपको बताए थे, दो इफेक्ट्स और आपको इसमें ध्यान रखने हैं, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज। यानी कि किसी भी बॉडी में फोर्स लगने पर फोर्स कैन प्रोड्यूस 5 इफेक्ट्स। कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, 5। पहला बोलेंगे बच्चों मेरे का साथ, इट कैन मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मूव द स्टेशन। अगर कोई स्टेशनरी है, कोई स्टैटिक है, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो क्या करने लगेगा, चलने लगेगा। अभी ब्लॉक वाला एग्जांपल देखा था, ब्लॉक किस पे था, रेस्ट पे, मैंने फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव करने लगा, ठीक है बच्चों। तो इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। सेकंड इज इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये किसी भी चलती हुई बॉडी को फोर्स लगाने से हम रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, और बाय ऐसे ही सामने आके अगर कोई कार आ रही है या कोई छोटी छोटी सी साइकिल मेरे पास लेके आ रहा है, मुझे उसको रोकना है, जस्ट एक हाथ आगे रख के मैं उस साइकिल को रोक सकता हूं। यानी कि मैं फोर्स लगा रहा हूं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ वो मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो ये फोर्स किसी भी बॉडी को रोक भी सकता है। नेक्स्ट इज इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, मैंने इधर से और फोर्स लगाया तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी 10 से 15, 20 कुछ भी हो सकती है, और ये 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, मैंने इधर फोर्स लगाया तो बॉडी रुक जाएगी। तो इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। 5 इफेक्ट फोर्स के, इट कैन मूव द
stationary body. Second, it can stop the moving body. It can increase or decrease the body, the speed of the body. It can change the direction of a body or it can change the shape and size. Yaad hai ye paanch effects force ke. Next is type of force. बेटा वैसे तो फोर्स को बहुत अलग अलग तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बट इस स्टेज पे हम देखेंगे फोर्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सी व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड एन अनबैलेंस्ड फोर्स. सपोज दिस इज अ मार्कर, ओके, एंड आई एम पुलिंग दिस फ्रॉम अपसाइड. इस वक्त आप बता सकते हैं इस मार्कर पे कितना फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स कितना. नेट फोर्स मतलब सभी फोर्सेस का सम, नेट कुल टोटल इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा अगर इस तरह से है तो. आई थिंक जीरो, बिकॉज इसकी सीडी चेंज नहीं हो रही है, ना तो ये मूव कर रहा है, ना इसके शेप और साइज चेंज हो रही है, यानी कि इसकी चेंज नहीं हो रही है, तो इस पर भी कोई फोर्स लग नहीं रहा है, क्योंकि जितना फोर्स नीचे mg लग रहा था उतनी फोर्स मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ऊपर उठा रहा हूँ. हाँ, ये दोनों नॉर्मल फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं, बात अलग है. अभी आपके लेवल पर आप ऐसा समझे mg नीचे लग रहा है, मैं इसको उतने फोर्स से ऊपर पुल कर रहा हूँ, यानी कि क्या इस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, कर रहे हैं ना. नीचे वाला mg जो है ऊपर वाले फोर्स से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट. तो जब किसी भी बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लगें और वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट, उन सारे फोर्सेस का नेट फोर्स हमेशा सम हमेशा जीरो निकल के आए, तो उन फोर्सेस को बोला जाता है बैलेंस फोर्सेस. क्या बोला जाता है बच्चों, बैलेंस. लाइक इफ अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर किसी टेबल पे हमने एक बुक रख दी है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, जीरो, क्योंकि तो मूव नहीं कर रही है, ना उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है, ना वो चलने लगी है, ना वो चल रही थी तो रुकने लगी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. तो उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम किसके बराबर होगा, जीरो के. तो उस पर लगने वाले फोर्सेस को हम क्या बोल देंगे, बैलेंस फोर्सेस. बैलेंस फोर्स मतलब जब भी किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम जीरो के बराबर हो उस कंडीशन को बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस. नाउ व्हाट आर द अनबैलेंस, अब चाहें तो इसको एक बार हम नोट कर लेते हैं. When sum of all the forces acting on body is zero, then forces are called balanced forces, right? During balanced force, no effect of force can be seen, है ना. जब भी किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं तो फोर्स के कोई इफेक्ट देखने तक नहीं मिलेंगे, ना तो बॉडी की शेप चेंज होगी, ना साइज चेंज होगी, ना उसकी स्पीड चेंज होगी, क्योंकि सबका सम तो कितना आ रहा है, जीरो. Now, what are the unbalanced forces? Unbalanced forces when more than one force acting on a body and state of the body changes. अगर किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं और उन फोर्सेस के कारण बॉडी की स्टेट चेंज हो गई, स्टेट चेंज होने का मतलब मेरे ख्याल से समझ रहे हैं आप लोग, या तो वो रेस्ट पे है तो चलने लगेगी, चल रही है तो रुक जाएगी, स्पीड किसी स्पीड से चल रही है तो उसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यानी कि उसकी अगर स्टेट चेंज हो जाती है तो उन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस. तो वैन more than one force act on a body and state of body changes, then these forces are called unbalanced forces. तो उन forces को हम क्या बोल देंगे बेटा, unbalanced force. ठीक है, next classification की तरफ बढ़ते हैं.
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसे फोर्सेस जिनको अप्लाई करने के लिए हमें दो बॉडीज के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट हो तभी हम उन फोर्सेस को अप्लाई कर सकते हैं. तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस. लाइक इफ आई वॉन्ट टू पिक दिस पैन, सो अगर मुझे इसको उठाना है तो मुझे इसको टच करना ही पड़ेगा, है ना. बिना उसके कुछ मैजिक तो है नहीं मेरे पास, से डायरेक्ट उठा लिया तो इसको टच करके अगर मैं उठा रहा हूँ अपनी मसल्स के पावर की हेल्प से, तो ये मस्कुलर फोर्स हो गया. ठीक है, ये मस्कुलर फोर्स हो गया और ये एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, बिकॉज मुझे इसको उठाने के लिए इसको टच करना ही होगा. तो जब भी किन्हीं फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए वी रिक्वायर्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट, अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट मस्ट हो किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, राइट. बट अब अगर किन्हीं दो बॉडीज को दूर से ही हमें फोर्स लगाना, बिना किन्हीं दो बॉडी के को आपस में कॉन्टैक्ट किए हुए अगर दो बॉडीज आपस में कोई फोर्स लगाती हैं, तो उन फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनमें दो बॉडीज बिना एक दूसरे को टच किए एक दूसरे पर फोर्स लगा सकती हैं. आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे फोर्सेस देखे हैं, याद कीजिए. कभी आपने मैग्नेट वाला गेम खेला है, एक मैग्नेट यहाँ रखी, दूसरी मैग्नेट को हम उसके पास ले जाते थे, तो बिना टच किए ये वाली मैग्नेट की वजह से दूसरा वाला मैग्नेट दूर भागता था या पास आता था. तो ये जो फोर्स है ये क्या हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इस मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट को टच नहीं किया है, फिर भी वो क्या कर रहा है, मूव कर पा रहा है. तो ऐसे फोर्सेस जिनमें फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ऐसे फोर्सेस को हम बोल देते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, या फील्ड फोर्सेस भी इनको बोल दिया जाता है. क्या बोल दिया जाता है, फील्ड फोर्सेस. ठीक है बच्चों, तो हम ये समझ सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. और कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं, बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स. ऑफकोर्स अगर आप देखेंगे तो सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रहा है बेटा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. क्या सन अर्थ के कॉन्टैक्ट में है, क्या नहीं, ऐसा होता तो भस्म हो जाती है अर्थ. ऐसा तो कुछ है नहीं, सन और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, फिर भी जो सन है वो लगातार अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बिना उसको टच किए, तो इट इज एन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसी तरह से मून भी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उन दोनों के बीच में भी कॉन्टैक्ट नहीं है, यानी कि अर्थ और मून के बीच में लगने वाला फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. और वो जाहिर सी बात है कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ मूव करता है बिना उसको टच किए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दीज ऑल फोर्सेस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फिजिक इन विच फिजिकल कॉन्टैक्ट इज required. Without physical contact, we can't apply contact forces. इसमें physical contact is not required. Right? तो contact forces के कुछ examples में यहाँ पे आपको सामने लिखना चाहता हूँ. पहला example होगा बेटा normal force. नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं. नॉर्मल फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे एन से. नॉर्मल फोर्स क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं, पर नॉर्मल फोर्स में याद रखना जब तक दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होंगी तभी नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है. तो नॉर्मल फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. दूसरा हो जाएगा टेंशन फोर्स. आप देखते हैं किसी भी रस्सी से दूसरी ऑब्जेक्ट को, आप जैसे ब्लॉक को मैंने रस्सी से बांधा तो वो भी एक तरह का कॉन्टैक्ट ही हो गया, यानी कि उस रोप की हेल्प से हम ब्लॉक को पुल कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का कॉन्टैक्ट हो गया और उसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे. दरअसल रोप और रॉड में जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स. कौन सा फोर्स, टेंशन. इसको ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे टी से. ठीक है, और भी कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जाम्पल आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फ्रिक्शन के बारे में, फिर उसके बाद मस्कुलर फोर्स भी इसी का एग्जाम्पल है ना. दीज ऑल फोर्सेस आर कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाउ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करें तो सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे मैंने आपको बताया FM यानी कि मैग्नेटिक फोर्स. दो मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स.
सेकेंडली अगर हम बात करें एफ जी की, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा अगर हम बात करें एफ ई की, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस जो हैं किसके एग्जांपल हो गए, नॉन कंडक्टर, जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस, नॉर्मल टेंशन, फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, इन सब में फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड होता है, तो इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, बारी बारी से हम समझते हैं। तो यहां दो क्लासिफिकेशन फोर्स के, एक तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस, और दूसरा हो गया कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। लेट्स सी, फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉर्मल फोर्स। बच्चों नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स इज बेसिकली एन रिएक्शन फोर्स। हम इसको नॉर्मल रिएक्शन भी बोल देते, क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेसिकली जब भी हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं, यानी कि हमने किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स अप्लाई किया, तो किसी सरफेस पे कोई फोर्स अप्लाई किया, तो सरफेस हमें रिएक्शन के तौर पे उतना ही फोर्स लगाती है नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, सरफेस रिएक्शन के तौर पे एक फोर्स लगाती है नॉर्मल डायरेक्शन में, उसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल रिएक्शन को, ध्यान से देखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एक सिंपल सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने एक 5 केजी का ब्लॉक रख दिया। कितने केजी का ब्लॉक रख दिया? 5 केजी का। अब हम ये जानते हैं कि इस सरफेस पे जो ये 5 केजी का ब्लॉक है, ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा बेटा। अगर हमने किसी सरफेस पे ब्लॉक रखा तो ब्लॉक अपना वेट लगाएगा, तो इस सरफेस पे ये ब्लॉक नीचे क्या अपना वेट लगा रहा होगा, और वेट इज एम जी, दैट इज 5 × 50 न्यूटन। ठीक है, यानी कि इस सरफेस पे कितना एक्शन हो रहा है, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 50 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जितना हमने एक्शन किया उतना ही रिएक्शन मिलेगा, और कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि ये सरफेस इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के। यानी कि ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 50 न्यूटन। तभी तो ये ब्लॉक और ये दोनों क्या हो जाएंगे? रेस्ट कंडीशन पे आ जाएंगे। सो आपको समझना है कि जितना हम एक्शन कर रहे हैं उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखें, मान लीजिए इस बार मैंने एक ब्लॉक रखा 5 केजी का, और दूसरा ब्लॉक रख दिया है 2 केजी का। अब एक पॉइंट इसको कंसिडर कर लेते हैं, एक पॉइंट इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स चेक, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, दोनों पॉइंट्स की, सबसे पहले इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं। मैं आपसे पूछूं नॉर्मल रिएक्शन एट ए बताइए, तो हमें क्या देखना है नॉर्मल रिएक्शन के लिए, कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन निकालना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एक्शन कितना हो रहा है, और उसी को हमने क्या बना देना है? रिएक्शन। अगर पॉइंट ए की बात करें तो एक 2 केजी ब्लॉक पॉइंट ए को कितने फोर्स से नीचे, 20 केजी का फोर्स लगा रहा बेटा, तो ऊपर भी कितना फोर्स लगना चाहिए? 20 केजी, क्योंकि जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। 20 क्यों बोला बेटा? 2 केजी का मास, तो वेट कितना हो जाएगा? mg, यानी कि 2 × 10। नाउ व्हाट अबाउट बी? अच्छा बी में सोच के बताइए, बी में कितना एक्शन हो रहा है? क्या आपको लगता है बी में एक्शन 50 केजी हो रहा है? बोलिए। नहीं बेटा, बी जो है, क्या ये दोनों ही वेट, क्या दोनों ही ब्लॉक का भार इस बी पे आ रहा होगा बेचारे पे? नीचे दबा हुआ है तो। यानी कि अगर बी के एक्शन की बात करें तो 50 और 20 दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, यानी कि बी पे लगने वाला कुल फोर्स होना चाहिए 70 न्यूटन। बोलो बच्चों, और बी पे जितना एक्शन, बी उतना ही तो रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑफ बी विल बी 50 + 20, दैट इज 70 न्यूटन। यानी कि जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, और उसी को हम क्या बोल देते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। मान लो ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात है, मान लो कोई वर्टिकल वॉल है, वर्टिकल वॉल पे एक पॉइंट है ए, मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का,
इस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, आपसे पूछा जाए कि ए पे बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, तो एन ए है बच्चों, तो ये एन ए भी कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन है। इस बोर्ड पे अगर मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो बोर्ड भी मेरे ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन का, बिकॉज जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। इसी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, देखें ध्यान से। मान लीजिए एक ब्लॉक है मेरे पास 5 kg, और इस 5 kg फोर्स के ऊपर मैंने फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स से मैं इस ब्लॉक के ऊपर खींच रहा हूँ। मैंने आपसे पूछा कि पॉइंट ए पे बताइए नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। बच्चों ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना मुझे, तो मैं जानता हूँ पॉइंट ए पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अब इस पॉइंट ए पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा 50 न्यूटन का, दैट इज वेट, पूरा जो ब्लॉक है वो अपना वेट 50 न्यूटन नीचे दे रहा होगा, पर एक फोर्स है जो इसको कुछ हेल्प कर रहा है ब्लॉक को, ब्लॉक का वेट कम करने में, और वो कितना है 10 न्यूटन। देखें तो पता, देखें 5 kg, ठीक है। एक फोर्स लगाया हमने यहाँ पे 10 न्यूटन का, इसका वेट नीचे लग रहा है 50 न्यूटन, और आपको इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन बताना है। हम जानते हैं नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ ही लगता है, बट दिस टाइम क्या इस ए पर पूरा 50 न्यूटन लग रहा होगा क्या? नो, क्योंकि यहाँ पे 10 न्यूटन जो है जो इसके वेट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ए पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, आप उसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एन ए प्लस 10 ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो एन ए मस्ट बी इक्वल टू 50 - 10, दैट इज 40 न्यूटन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा 40, क्योंकि हम जानते हैं इस ब्लॉक का नेट वेट यहाँ पे 50 नहीं है, 50 से थोड़ा कम है, ये 10 न्यूटन को हेल्प कर रहा है, तो यहाँ पे नेट वेट कितना हो जाएगा बेटा 40 न्यूटन, ठीक है। फर्दर इसको सिर्फ बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, आगे अपन न्यूमेरिकल्स में इसको और यूज करेंगे जब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ेंगे अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट इज टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी ब्लॉक को या किसी ऑब्जेक्ट को, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, मैं इसको एक रस्सी की हेल्प से एफ फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं इसको एक रोप की हेल्प से एफ फोर्स लगा के खींचूंगा, तो रोप में एक टेंशन डेवलप हो जाता है, जिस रोप में एक फोर्स डेवलप हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स ऑलवेज एक्ट सच दैट इट इज पुलिंग द पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो सॉरी टेंशन निकालना है, तो टेंशन सबसे बड़ा कंफ्यूज करता है डायरेक्शन के लिए, तो हमें कुछ इतना डायरेक्शन इसको अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें टेंशन निकालना है तो हमें ये देखना है कि इसका डायरेक्शन निकालने के लिए बस इतना सा सोचना है कि क्या वो उसको पुल कर रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन उसी तरफ होगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट पुल हो रहा होगा। बेसिकली एक चीज़ आपको और याद रखनी पड़ेगी टेंशन फोर्स के बारे में, कि जब भी हम बात करेंगे रोप की या रॉड की या स्ट्रिंग की, है ना, या हम बात करेंगे फिजिक्स की रस्सी की, फिजिक्स की रस्सी, है ना, इसको एक इम्पॉर्टेंट, जब भी फिजिक्स में रस्सी की बात होगी बच्चों आपको तीन चीज़ें याद रखनी हैं। पहली बात, फिजिक्स में रस्सी जो होती है हमेशा कैसी होती है? मासलेस। जब तक मेंशन ना हो हम जो रोप कंसिडर करेंगे वो कैसी कंसिडर करेंगे? मासलेस। दूसरी बात, जब भी हम फिजिक्स में रोप को कंसिडर करेंगे इट इज़ इनएक्शनसिबल, इनएक्शनसिबल यानी हम मासलेस एंड इट इज इनएक्शनसिबल, यानी कि जब भी हम फिजिक्स में रोप की बात करेंगे तो वो इनएक्शनसिबल है, खिंचाव मुक्त, यानी हम फिजिक्स की रस्सी को खींच कर कभी भी लंबा नहीं कर सकते। फिजिक्स में रोप की लेंथ हमेशा क्या मेंटेन रहेगी? कांस्टेंट। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, टेंशन
फोर्स ऑलवेज ऑलवेज रिमेन्स सेम थ्रू आउट द रोप. रोप के हर पॉइंट पे टेंशन फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, सेम. यानी कि अगर इस पॉइंट पे टेंशन टी है तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा, यहाँ पे भी टेंशन टी होगा. हर पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, सेम. और वो किसके बराबर रहेगी, टेंशन फोर्स इक्वल टू फोर्स अप्लाइड. जितना भी फोर्स अप्लाइड होगा टेंशन की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ब्लॉक मेरे पास है, इस ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का. मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, तो हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी हम टेंशन की बात करेंगे तो पहली बात तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन इट ऑलवेज एक्ट एज इट इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट या पुलिंग द पॉइंट. यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन का डायरेक्शन कैसे होगा, ये इसको पुल तभी कर सकता है जब टेंशन का डायरेक्शन ये हो. या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन पूछी तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को पुल करने का तरीका यहाँ तो फोर्स आ ही रहा है यानी कि इस तरफ, तो टेंशन की वैल्यू दोनों तरफ सेम रहेगी और इट विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चों, 10 न्यूटन ही रहेगी. इट इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. बाकी हम इसमें अलग अलग कॉज इफेक्ट इक्वेशन निकालना सीखेंगे, उसे सीखेंगे टेंशन की अलग अलग वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, किन किन बातों पे डिपेंड करता है. बस अभी इतना याद रखना, ऑलवेज एक्ट सच दैट इट इज पुलिंग द पॉइंट, और इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. अगर किसी रस्सी को मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें जो टेंशन जब डेवलप होगी वो भी कितनी होगी, 10 न्यूटन. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम इज व्हेन व्हेन सम ऑफ ऑल द forces acting on a body is zero. जब भी किसी body पे लगने वाले सभी forces का sum zero के बराबर होगा, then उस condition को हम बोल देते हैं equilibrium of forces. ठीक है, जब भी किसी body पे एक से ज्यादा forces लग रहे हैं और सबका sum किसके बराबर आ जाए, zero के बराबर. Like for example से दिस इज अ ब्लॉक, या एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये फोर्स भी लग रहा है 12 न्यूटन का, इधर से एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इधर से एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का. क्या इस बॉडी को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान सकते हैं बच्चों, ये 20 न्यूटन इस 20 न्यूटन को कैंसिल आउट कर देगा, इधर से लग रहा है 10 न्यूटन, इधर से लग रहा है 12 न्यूटन. क्या इससे ये बात क्लियर होती है कि इस ब्लॉक का नेट मोशन किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ. क्या हम ये बोल सकते हैं कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है क्या बच्चों, नहीं. इक्विलिब्रियम में सभी फोर्सेस का सम जीरो होना चाहिए, सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या करने चाहिए, कैंसिल आउट. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 12 न्यूटन की जगह कितना न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का, तो नीचे वाला फोर्स इज ऊपर वाला फोर्स और सबका रिजल्टेंट क्या निकल के आ जाता, जीरो. एफ नेट विल कम आउट टू बी जीरो. तो जब भी किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स एफ नेट जो है वो जीरो के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. इक्विलिब्रियम मतलब सिंपली जब सभी फोर्सेस का सम जीरो के बराबर हो जाए. एक तरह से हम इसको बैलेंस फोर्स की कंडीशन में भी डाल सकते हैं. बैलेंस फोर्स में भी ऐसे होता था, सारे फोर्स एक दूसरे को क्या करते थे, यानी हम बोल सकते हैं किसी बॉडी पे अगर बैलेंस फोर्स लगते हैं तो बॉडी किस में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है. दोनों एक ही बात है बेटा. बैलेंस फोर्स मतलब सभी फोर्सेस का सम किसके बराबर हो रहा है, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर रहा है, तो यानी कि एफ नेट इक्वल टू जीरो वाली कंडीशन है. और कंडीशन कौन सी है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी पे बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं तो बॉडी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी. इस पे बेस माइकल्स आते हैं. जब हम न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे पुली सिस्टम होता है, पुली ब्लॉक सिस्टम होता है, कैसे एक ब्लॉक को हम
जब ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस बनती हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने अभी जो डिस्कस किया दैट इज ऑल अबाउट फोर्स। ये किसके बारे में था बच्चों? फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ एक वर्ड जो है वो उससे फैमिलियर होना पहले जरूरी है हमारे लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया मतलब क्या होता है बेटा? इनर्शिया का अगर हम प्रॉपर हिंदी मीनिंग देखें तो इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व या जड़, रूट्स। किसी प्लांट की रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं? उसको स्टेबल बनाए रखती हैं, अपनी कंडीशन पे, अपने अपनी जगह डटे रहने पे मदद करती हैं। तो यही इनर्शिया फिजिक्स में भी काम आता है। किसी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है इसका मतलब वो अपनी जगह, अपनी स्टेट को मजबूती से बनाए रखना चाहता है। मोर इनर्शिया इट मीन्स हम कह सकते हैं इस बॉडी को अपनी पोजिशन से मूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेस इनर्शिया यानी कि इसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं, हम बहुत आसानी से इसकी स्टेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो हम इनर्शिया से ये समझ सकते हैं इट इज़ अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, इट डजंट मैटर। अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहना चाहता है, रुका है तो रुका रहना चाहता है, और ये प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब जाहिर सी बात है इनर्शिया किस पर डिपेंड करता होगा? बहुत ऑब्वियस है, अगर किसी बॉडी का अपनी जगह पे डटे रहने का एबिलिटी ज़्यादा है यानी कि उसका इनर्शिया ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है किस पे डिपेंड करता है? मास पे। अगर किसी बॉडी का मास ज़्यादा है इट मीन्स उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। होता है बहुत ज़्यादा अगर किसी बॉडी का मास है तो हमें उसको मूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ती है, या कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट बहुत तेज स्पीड से या स्पीड से हमारी तरफ आ रहा है तो उसके रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है। ऑब्वियस एक ट्रेन हमारे पास आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक साइकिल हमारे पास आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, किसको रोकने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकेंड वाली ट्रेन को, बिकॉज इट हैज़ मोर मास, इट हैज़ मोर इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या होता है बेटा? इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट आइदर ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। बॉडी अपनी ही स्टेट में रहना चाहती है, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो या स्टेट ऑफ पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहती है। तो हम ये कह सकते हैं इनर्शिया के बारे में कि टेंडेंसी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन मोशन और रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट, हम ये भी बोल सकते हैं ये इनर्शिया के बारे में। द टेंडेंसी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंजेस इन स्टेट, उसकी स्टेट को चेंज करने में जो रेजिस्टेंस होता है, उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है बॉडी, उसी टेंडेंसी को, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? इनर्शिया। अपने उस डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल देखें, लाइक इफ कार इज मूविंग विथ पर्टिकुलर स्पीड एंड ड्राइवर इज सिटिंग ऑन द कार, सडनली कार स्ट्राइक्स और गेट्स कोलाइड विथ अ वॉल, देन आपने बहुत सी बार प्रैक्टिकल ऐसा देखा भी होगा कि कार रुकते ही जो पैसेंजर है दैट विल फॉल आउटसाइड द कार, बिकॉज ये जो पैसेंजर है इसके अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन था, ये चाहता था इसकी बॉडी मूव करती रहे, बट अचानक कार के रुकने से इसकी बॉडी उसका रजिस्ट कर रही है, रुकने का रजिस्ट कर रही है, और रुकने का रजिस्ट मतलब मूव करना, तो ये बॉडी क्या करने लगी? मूव करने लगी। ऐसा बहुत सी बार हमने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया, लाइक ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पे रुकने वाली होती है अचानक ब्रेक लगते हैं तो हल्का सा हमें फोर्स लगता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। बेसिकली इनर्शिया जो है वो तीन तरह का हो सकता है बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुके रहना चाहती है, अचानक उसको मूव करवाएंगे तो उसका वो अपोज करेगी, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। लाइक इफ आई एम सिटिंग ऑन अ बाइक और सडनली समवन इज सिटिंग बिहाइंड मी एंड आई हैव
एस्केलेट द बाइक सडनली, अगर मैंने बाइक को सडनली एस्केलेट कर दिया, मैंने बाइक को सडनली एस्केलेट कर दिया, तो पीछे वाले पैसेंजर के साथ क्या होगा, वो रुके रहना चाहता है, जबकि बाइक आगे मूव करना चाहती है तो उसका रेजिस्ट वो पीछे गिर के करेगा, तो उस पर फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन इज एक बहुत तेज स्पीड में बस जा रही है, अचानक बस के सामने गाय आ जाती है, बस ने ब्रेक लगाया, तो हमारी बॉडी तो चलते ही रहना चाहती है तेज स्पीड में, ब्रेक लगने से क्योंकि हमारे फुट जो है वो बस की फ्लोर से कनेक्टेड है, बस रुक गई, फुट को रुकना पड़ रहा है पर बॉडी रुकना नहीं चाहती, तो हम किस ओर गिरते हैं, आगे की ओर गिरते हैं। दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? इफ आई एम मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सडनली बस टेक्स एन से राइट टर्न, बस ने अचानक राइट टर्न लिया, पर मैं राइट टर्न लेना ही नहीं चाहता हूं, तो मैं उसका अपोज करूंगा, कौन से डायरेक्शन में गिर के, अपोजिट डायरेक्शन में गिर के। दिस इज हाउ इनर्शिया वर्क्स। सो इनर्शिया इज टेंडेंसी फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन मोशन या रेजिस्ट चेंज इन स्टेट। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर याद रखनी है, मोर मास More will be the inertia. जितना ज्यादा मास होगा बच्चों, इनर्शिया उतना ही अधिक, उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया इनर्शिया का मतलब? इनर्शिया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इनर्शिया का हिंदी मीनिंग होता है जड़, जड़त्व, यानी कि अपनी ही जगह पे डटे रहना, बने रहना। जितना बॉडी में ज्यादा इनर्शिया होगा, उसके स्टेट को चेंज करने में हमें उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो, चाहे वो स्टेट ऑफ मोशन हो, चाहे वो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो। सो मोर मास मोर विल बी द इनर्शिया। दिस इज लिटिल बिट अबाउट इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। In next lecture, we will further continue this with some more interesting concept and a small story about inertia. अगले ही lecture में आपको inertia के बारे में छोटी सी और interesting story सुनाऊंगा, पप्पू की। याद करो, पहले lecture में आया था पप्पू, उसी पप्पू की एक और शानदार story आपको सुनाई जाएगी अगले lecture में। But till then, goodbye.